नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी खबर आपको बताएं लखनऊ से, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। नवनिर्मित अनुसंधान केंद्र की शटरिंग गिरी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हादसे में एक मजदूर की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, तो घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई मजदूरों के दबे होने की इस हादसे में सूचना मिल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और सरोजनी क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर रनियापुर में ये घटना हुई है, जहां पर बड़ा हादसा हुआ। नवनिर्मित अनुसंधान केंद्र की शटरिंग गिरी है और इस हादसे में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। कितने मजदूर इस हादसे में दबे हैं, अभी तक इस बात का खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन पुलिस प्रशासन और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच चुकी है। कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है। बड़ा हादसा हुआ है और ये तस्वीरें आप सीधे अस्पताल से देख रहे हैं, जहां पर एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और कई मजदूर इस हादसे में मलबे में दबे हुए हैं, जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। रनियापुर की ये घटना, जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, हादसे में एक मजदूर की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। इस बीच एक मजदूर काफी गंभीर घायल, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स की टीम अब घायल मजदूर का इलाज कर रही है। और इसी खबर पर संवाददाता शादाब सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शादाब, बड़ा हादसा हुआ है, क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए, मैं बता दूं कि सरोजनी नगर क्षेत्र में एक हादसा हुआ था, जहां पर फॉरेंसिक स्लेब पड़ रही थी, जो अचानक वो गिर गई, जिसमें कई मजदूर घायल हो गए हैं, गंभीर रूप से घायल हैं, उनको हॉस्पिटल में एडमिट भी कराया गया है। फिलहाल जो पुलिस है वो जांच कर रही है, मौके पर आला अधिकारी भी पहुंचे हुए थे, अभी फिलहाल वो जांच कर रहे हैं। वहीं जो अधिकारी थे वो हॉस्पिटल भी गए थे, वहां पे भी मजदूरों का हालचाल पता किया गया है और मौके से ठेकेदार फरार हो गया है। अब ये देखने वाली बात है कि आगे क्या कार्रवाई पुलिस करती है या क्या आगे निकल के आता है। फिलहाल जो पुलिस है उसका साफ तौर पर कहना है कि अभी कोई ऐसी तहरीर नहीं आई है, अगर आएगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। आखिर कितने मजदूर दबे होने की आशंका है, पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, और जिस तरह से ठेकेदार की लापरवाही सामने आई है उस पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इस नवनिर्मित भवन का निर्माण किया जा रहा था, क्या इसमें घटिया सामग्री का भी उपयोग किया गया या फिर किसी अन्य वजह से यह हादसा हुआ? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो बिल्डिंग बन रही थी, फिलहाल इसमें अभी पुलिस का कहना है कि जांच का विषय है, अगर तहरीर आएगी तो इस पर जांच की जाएगी। वहीं आपको ये भी बता दें कि जो मजदूर घायल हुए थे उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। जो पुलिस का कहना है, 4 से 5 लोग मजदूर थे जो घायल हुए हैं गंभीर रूप से, उनको हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है, उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल जो ये जो छत गिरी है, इसलिए जांच का विषय है, ये अभी जांच पुलिस कर रही है, बस ये पुलिस तहरीर का इंतजार कर रही है, जैसी तहरीर मिलती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल जो पुलिस जांच कर रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो बड़ा हादसा हुआ है, 4 से 5 मजदूर इस बड़े हादसे में दबे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।